टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। ओम बिरला भी सांसदों की टीम लेकर जाएंगे ताइवान। पेलोसी की यात्रा से खुश मनीष तिवारी का सुझाव। आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम स्थित संयंत्र में जहरीली गैस का रिसाव, 53 लोग बीमार। ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 10 दिनों में मांगा जवाब। लाल किले से सांसदों ने उत्साह में निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित, जीवों को वर्मिन घोषित करने में होगी आसानी। सीएए पर बोले अमित शाह, एहतियाती खुराक का काम पूरा होने के बाद बनेंगे नागरिकता कानून के नियम। तमिलनाडु में खौलते दलिये में गिरे व्यक्ति की मौत, आदि वेल्ली त्योहार पर जनता के लिए बना रहा था प्रसाद। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी हलचल, चिंतन शिविर में बढ़ाई आलाकमान की चिंता, बैठक से गायब रहे कई दिग्गज। तेलंगाना बीजेपी का दावा, कांग्रेस और टीएमसी के कई विधायक ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। मुकेश सहनी का एनडीए से साथ छूटा, लेकिन नीतीश कुमार से प्रेम नहीं हुआ कम। वीआईपी प्रमुख के बयान से बिहार में खलबली। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी, खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरनाक बताया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मार्गरेट अल्वा बोली, ये दिखावे की लड़ाई नहीं, अभी बहुत कुछ हो सकता है। मालेगांव ब्लास्ट कोर्ट में लाई गई बाइक, जज फॉरेंसिक एक्सपर्ट वकीलों और गवाहों ने किया मुआयना, ब्लास्ट में हुआ था इस्तेमाल। महंगे बैग पेट्रोल हुई, महुआ ने कहा फकीर हूं, 1.5 लाख के बैग की फोटो शेयर की, लिखा झोला लेकर आई थी, झोला लेकर चल दूंगी। मुझे चुनाव जीतने के लिए चुनावी चिन्ह की जरूरत नहीं, बोले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। आगरा में शिवलिंग के पास दिखा सांप, मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तों ने बनाया वीडियो, लगे बम भोले की जयकारे। अलीगढ़ में स्ट्रीट लाइट में लाखों का घोटाला, प्रधान और सचिव ने खरीदी लोकल कंपनी की लाइट, 5 लाख का किया भुगतान। मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को देगी समर्थन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर, सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की सुनी समस्याएं।
मेरठ के एक घर में बना रहे थे नकली नोट। एसटीएफ ने मेरठ से चार युवकों को गिरफ्तार किया। मुख्य सरगना खुशी गांधी फरार। टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज होगी बिजली की शिकायत, अनसुनी की तो होगी कार्रवाई, शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। बागपत के गांव में चोरों का आतंक, दो घरों से जेवर नकदी लेकर फरार। विरोध करने पर घर वालों पर ईंट से किया हमला। जसपुरा में जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव कल, तीन प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। 45,349 लोग करेंगे मतदान। फतेहपुर में पकड़ी गई 100 लीटर कच्ची शराब, 10 क्विंटल लहन किया गया नष्ट, 10 लोग गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पीछा करने के पर बदमाशों ने किया फायर, पैर में लगी गोली। रामपुर में ग्राम प्रधान पर पेड़ काटने का आरोप, ग्रामीण बोला ग्राम समाज की जमीन पर उगे चार पेड़ काट डाले। मां करती थी परेशान इसलिए कर दी हत्या, धनौरा में गोद लिए बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी ने कबूल किया जुर्म। झांसी में 7 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़, 10 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी, डांटा तो बोली ऑटो वाले अंकल करते हैं गंदी हरकतें। पतंजलि स्टोर लूटने वाले को एनकाउंटर में लगी गोली, गाजियाबाद में वारदात करके कावड़ लेने चला था बदमाश। आलम से अर्जुन बनकर नटवर लाल ने लगाया चूना, फर्जी कागजात तैयार कर 6 बैंकों से लिया 90 लाख रुपए का लोन। एलिफेंट कैंप कालागढ़ में मनाया गया सावन, हाथी का जन्मदिन स्पेशल, फ्रूट केक काटा, ठहरने के स्थान का रखा गया विशेष ध्यान। हाथरस में प्रधान के भाई की गोली मारकर हत्या, खाना खाकर बाहर टहल रहा था, घर से 200 मीटर दूर मिला जख्मी हालत में। बस्ती में एसपी ने स्वाट टीम को किया भंग, 16 साल के किशोर की पिटाई, मामले में हुई कार्रवाई, एएसपी को सौंपी मामले की जांच। ललितपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, 5 महिलाएं घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हाथरस में सरकारी अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर शव लेकर घूमते रहे परिजन, निजी एम्बुलेंस से लेकर गए घर। सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ के बाद जमकर किया हंगामा, थाने में ज्ञापन देकर जा रहे करनी सेना के 8 सदस्यों पर बाके से हमला। बदायूं में भाई के सामने भाई को पीट पीट कर मार डाला, खेत की मेज को लेकर हुआ विवाद, मरने वाला युवक बीएससी का छात्र था। नारायणी नदी का पानी गांवों में घुसा, लगातार बढ़ रहा जलस्तर, 12 घंटे में करीब 44,000 क्यूसेक की वृद्धि। नशे में धुत दरोगा ने कार से 2 को रौंदा, 1 की मौत, पुलिस परिजनों के बीच नोकझोंक, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। युवती की मौत से आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम, सीतापुर पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप, हिंदू संगठन से हुई नोकझोंक।
फिरोजाबाद में कांग्रेस प्रभारी की बैठक में जमकर हंगामा। आरोपी प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप के बीच हुई नारेबाजी, कार्यकर्ताओं को साधते नजर आए मंडल प्रभारी। हमीरपुर में हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर हुए घायल, सुमेरपुर जा रहे थे चेन्नई। इंस्पेक्टर की पत्नी ने तमंचे से खुद को मारी गोली, 28 जुलाई को लौटकर आई थी घर, मृतका की बहन ने हत्या करने का लगाया आरोप। संभल में धूमधाम से मनाई गई कल की जयंती, रथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, रासलीला शिव पार्वती नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। प्रतापगढ़ में पंचर एम्बुलेंस से रेफर किया मरीज, सीएचसी से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, गोली लगने से घायल युवक 30 मिनट तक तड़पता रहा। उत्तराखंड में नया फरमान, शिक्षकों कर्मचारियों ने राज्यपाल मंत्री और सीएम को सीधे पत्र लिखा तो होगी कार्रवाई। यूके एसएससी मामले में रामनगर से न्यायिक कर्मचारी गिरफ्तार, जीजा के साथ मिलकर किया था प्रश्न पत्र लीक। हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 वर्ष कठोर कैद, 75,500 रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा। हरिद्वार के बैंक में चाय पिलाने वाला कर्मचारी लाखों रुपए लेकर फरार, खाता धारकों से रकम लेकर रसीद भी थमाई। उत्तराखंड के चीन नेपाल सीमा के करीब गुंजी गांव में फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। ऋषिकेश के स्कूल में पेड़ पर नजर आया विशाल अजगर, क्लास छोड़कर भागे बच्चे। तेज बौछारों के बाद तालाब में बदला देहरादून शहर, तस्वीरों में अपनी राजधानी का हाल देख सकते हैं। नीलांग घाटी में पेट्रोलिंग के दौरान हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से सैनिक की मौत, एक सैन्य अधिकारी भी घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एसबीआई के बैंक मैनेजर का शव गंगा से हुआ बरामद, 2 दिन से था लापता। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप जारी, प्रदेश में 346 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 2 की मौत। देहरादून में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, कहा नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। वो माफिया की राह अब नहीं होगी आसान, डीजीपी अशोक कुमार ने कहा यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगी लिस्ट। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट, सरकार ने जारी की एसओपी, अस्पतालों में बेड होंगे रिजर्व। उत्तराखंड में बारिश के बाद भूस्खलन के चलते सड़कें बंद, 166 सड़कों पर यातायात बाधित, ट्रैफिक डाइवर्ट। उत्तराखंड में पति के निलंबन पर बच्चों के साथ गांधी पार्क पहुंची पत्नी, 1 घंटे तक डटी रही कि नारेबाजी। ताइवान की संसद में नैंसी पेलोसी और ताइवानी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग को दी चुनौती, हम झुकेंगे नहीं।
पूर्व पीएम ओली का दावा, नेपाल का नया नक्शा जारी करने पर मुझे सत्ता से हटाया गया था। अमेरिका ने पुतिन की कथित प्रेमिका पर लगाए नए प्रतिबंध, अलीना काबेवा का वीजा किया फीस। लीबिया में बड़ा हादसा, ईंधन के टैंकर में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 76 घायल। पाकिस्तान ने लोन के लिए अमेरिका को बताया जवाहिरी का ठिकाना, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह का बड़ा दावा। ताइवान पर यूएस चीन में तनाव, राष्ट्रपति साई इंग वेन ने वेन से मिली नैन्सी पेलोसी, चीन ने ताइवान को होने वाली नेचुरल सैंड एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। इमरान ने दाऊद इब्राहिम से भी लिया चुनना, नवाज शरीफ पर ओसामा बिन लादेन से फंड लेने का आरोप, आईएसआई को यूएस से मिले डॉलर्स। चीन ने ताइवान के 6 तरफ से शुरू की बारूद की बारिश, नैन्सी पेलोसी ने भी किया पलटवार, तनाव चरम पर। युद्ध के बिना भी खत्म किया जा सकता है आतंकवाद, ओबामा बोले जवाहिरी की मौत से पीड़ित तो। ईरान में पहाड़ों के नीचे बन रहे परमाणु बम, न्यूयॉर्क को खंडहर में बदलने की दी धमकी। फाइव जी आने से पहले बढ़ सकता है 4G का दाम, शुरुआत में प्रीमियम ग्राहकों तक सीमित रहेगी सेवा। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े, मुंबई में सीएनजी 6 रुपए महंगी होकर 86 रुपए किलो पर पहुंची, पीएनजी की कीमत में 4 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। नोकिया का नया फीचर फोन लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे अडानी ग्रुप ने, 400 MHz स्पेक्ट्रम हासिल किया, सुपर ऐप बनाने से लेकर ग्रुप के नए बिजनेस में मिलेगी मदद। आरबीआई का वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च में बढ़कर 56.4 पर पहुंचा, सभी क्षेत्रों में वृद्धि। बेरोजगारी दर जुलाई में कम होकर 6 महीने में सबसे नीचे, जून की तुलना में 1% की गिरावट। एपकॉइन को गुची ने अपनी क्रिप्टो पेमेंट लिस्ट में किया शामिल, एपकॉइन को मार्च में किया था लॉन्च। अमेरिका में क्रिप्टो पिरामिड स्कीम में हुआ 30 करोड़ डॉलर का फ्रॉड, पिरामिड स्कीम में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने का किया था वादा। बिटकॉइन $24,000 के नीचे कर रहा ट्रेंड, अन्य पॉपुलर कॉइन्स में भी गिरावट। नोमड क्रॉस चेन ब्रिज को हैक अटैक ने $20 करोड़ का नुकसान, क्रिप्टो करेंसी को भेजे और प्राप्त करने की सुविधा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का हमला, वीडियो देखकर कोई हैरान, हर फैंस कर रहा सलाह। भारत वेस्ट इंडीज T20 मैच में दिखा शोले का सीन, निकोलस पूरन ने पूछा कितने आदमी थे।
सीडब्ल्यूजी 2022 में विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद सिद्धू मूसेवाला के अंदाज में मनाया जश्न। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को हराकर जीता गोल्ड मेडल, भारत का पांचवा स्वर्ण। वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर एंड्रा डॉटिन ने 31 साल की उम्र में लिया संन्यास, कहा टीम का माहौल खराब। तीसरे टी20 में भारत 7 विकेट से जीता, टीम इंडिया ने पाकिस्तान के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की, सूर्या ने 44 गेंदों में बनाए 76 रन। कॉमनवेल्थ गेम्स में पांचवें दिन भारत को 3 मेडल, लॉन बॉल्स और टेबल टेनिस में सुनहरी कामयाबी, बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग में 1-1 सिल्वर। एक ओवर में कूटे 6-6-6-6-4-6 बांग्लादेशी गेंदबाज के खिलाफ, जिम्बाब्वे का अनजान बल्लेबाज रयान बोल्ड बनाए विलन, रनों की बारिश। सूर्य कुमार यादव द्वारा मारा गया ये शॉट बवाल है, गेंदबाजी ही नहीं विश्व क्रिकेट भी यकीन नहीं कर पा रहा। सूर्य कुमार से ओपनिंग कराने पर रोहित शर्मा से भड़के कृष्ण मचारी, श्रीकांत सुना दी खरी खोटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने पर टप्पू का रिएक्शन, राज अनाथकट ने कहा सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इंडियन ड्रमर के फैन हुए जस्टिन बीबर, यूनिक स्टाइल में ढोल बजाते व्यक्ति का वीडियो शेयर किया। रक्षाबंधन का प्रमोशन, टीम के साथ दुबई पहुंचे अक्षय कुमार और आनंद एल रॉय, फैंस के साथ की खूब मस्ती। अल्लू अर्जुन ने शुरू की पुष्पा 2 की तैयारी, अपने लुक के साथ किया एक्सपेरिमेंट, दूसरे पार्ट में स्टाइलिश लुक में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आमिर खान ने दिया ट्रोलर्स को जवाब, लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के रोल को पीके जैसा कहने पर बोले, पहले फिल्म देखो फिर फैसला कर लो। शादी के 3 महीने बाद आलिया भट्ट ने की शिकायत, बोली रणबीर कपूर मेरे पैरों का मसाज नहीं करते हैं। सिंदूर लगाने पर ट्रोल हुई चारू असोपा, ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस को कहा ड्रामेबाज, बोले इसने रिश्ते का मजाक बना दिया है। डिस्को डांसर फेम डायरेक्टर बी सुभाष की पत्नी का निधन, किडनी और फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित। एम्बर हर्ड ने हर्जाना भरने के लिए बेचा अपना घर, कैलिफोर्निया स्थित 6 एकड़ की प्रॉपर्टी बेची, डील से 3.93 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। सलमान और शाहरुख के साथ फिल्में करने पर बोली जानवी, एक्ट्रेस ने कहा उनके अपोजिट कास्ट करना थोड़ा अजीब लगेगा। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।